देश की जानी मानी इंश्योरेंस कंपनी अपना रुतबा खोती जा रही है। LIC का कारोबार दिनों दिन घटता जा रहा है। प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों से सरकारी कंपनी LIC को कड़ी टक्कर मिल रही है। फाइनेंशियल ईयर 2017-18 में LIC की हिस्सेदारी गिरकर 70% से नीचे आ गई है। निजी बीमा कंपनियों के ज्यादा आक्रामक रणनीति अख्तियार करने से कंपनी की हिस्सेदारी में ये कमी आई है। 2017-18 में निजी बीमा कंपनियों की बाजार हिस्सेदारी 2016-17 के 28.19% से बढ़कर 30.64% हो गई है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी RDAI की सालाना रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2017-18 में प्रीमियम से कुल आय के आधार पर LIC की बाजार हिस्सेदारी 71.81 से घटकर 69.36% पर आ गई है। फाइनेंशियल ईयर 2017-18 में नई बीमा पॉलिसी से आय के मामले में निजी बीमा कंपनियों की हिस्सेदारी बढ़ी है। पॉलिसी रिन्यूअल से मिलने वाले प्रीमियम के मामले में LIC की हिस्सेदारी पिछले साल के 72.31% से घटकर 69.35% पर आ गई है। वहीं निजी बीमा कंपनियों की हिस्सेदारी 27.69% से बढ़कर 30.65% हो गई है। बीते वित्त वर्ष में जीवन बीमा कंपनियों ने 281.97 लाख नई बीमा पॉलिसी जारी करी है। इनमें से LIC ने 213.38 लाख नई पॉलिसी यानी 75.7% और निजी बीमा कंपनियों ने 68.49 लाख पॉलिसी जारी की। मार्च 2018 के आखिर तक भारत में कुल 68 बीमा कंपनियां काम कर रही थी, जिसमें 24 जीवन बीमा कंपनियां थी। इसके अलावा 27 कंपनियां सामान्य बीमा देती हैं और 6 सिर्फ स्वास्थ्य बीमा कंपनियां हैं। इन सभी बीमा कंपनियों में से 8 पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं और बाकी प्राइवेट सेक्टर में काम करती हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्था स्विस री के डाटा के मुताबिक जीवन बीमा के बिजनेस में भारत कुल 88 देशों में से 10वें पायदान पर है। साल 2017 में भारत का दुनिया भर के जीवन बीमा बाजार में हिस्सा 2.76% था। 2017 में भारत का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 8% बढ़ा, जबकि ग्लोबल लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम सिर्फ 0.5% की दर से बढ़ा। कुल मिलाकर ये खबर LIC के लिए नए साल में एक बड़ा झटका है और निजी बीमा कंपनियों के लिए अच्छा संकेत। हालांकि आगे जाकर देखना होगा कि क्या LIC की अपनी हिस्सेदारी में सुधार आता है या निजी बीमा कंपनियां ऐसे ही आगे बढ़ती रहती हैं।